अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक नए सफ़र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये सफ़र हमारा हो रहा है पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जहाँ हैं उनमें गलियात के अंदर। गलियात पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत एरिया है और मोस्ट अमेजिंग प्लेस कह लें इसको, या इसको हम मोस्ट विजिटेड प्लेस कह सकते हैं। मोस्ट विजिटेड प्लेस जो है पाकिस्तान की वो गलियात है और यहाँ पे हम जा रहे हैं इस वक्त टूवर्ड्स मरी और पत्रियाटा। पत्रियाटा बेसिकली जहाँ पाकिस्तान की सबसे अच्छी हम कह सकते हैं चेयरलिफ्ट भी मौजूद है और केबल कार भी मौजूद है, तो वहाँ का इरादा है। फैमिली साथ है तो एक साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं और जब बहुत सारे लोग साथ होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करने में दुश्वारी हो रही होती है, तो इसलिए हमारा ब्लॉग का स्टार्ट भी शुरू से नहीं बल्कि सफ़र के बीच से हो रहा है। और इस वक्त बहुत तेज़ी से हम रवाना हुए, लेट भी हो चुके हैं और रास्ते के कुछ मनाज़िर भी हम आपको दिखाते हैं और वहाँ चल के हम आपको इंशाल्लाह मरी की भी और इंशाल्लाह पत्रियाटा की भी जो है वो आपको सैर कराते हैं अपने साथ और आपको लेके चलते हैं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत चेयर लिफ्ट और सबसे खूबसूरत केबल कार। सबसे खूबसूरत तो इनफैक्ट पाकिस्तान में है ही एक केबल कार, उस केबल कार को दिखाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की खूबसूरत चेयर लिफ्ट भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जो सफ़र हमारा चल रहा है, ये ज़िगज़ैग सी सड़कों के साथ और बड़ा खूबसूरत वेदर है, क्लियर स्काई है ऑलमोस्ट, कोई फॉग नहीं है, किसी किस्म की कोई बारिश की प्रेडिक्शन नहीं है, सनी वेदर है और बहुत खूबसूरत वेदर है, ठंडी हवा है, मज़ा आ रहा है इसमें जाने में और ऐसे वेदर में यहाँ आने का एक अलग मज़ा है। यहाँ दो तीन वेदर यूँ समझ लेंगे ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत मज़ा आता है आदमी को, एक जब बर्फ़बारी हो रही हो तब, एक जब ठंडी हवा और सनी वेदर हो तब, और एक जब बारिश हो रही हो और बादल आए हुए हों, तो ये तीनों वेदर बड़े मज़ेदार होते हैं और ये मस्ट विजिट टाइम होते हैं, इसके अंदर ज़रूर आना चाहिए फैमिली को। इंशाल्लाह इस व्लॉग के अंदर मैं आपको पत्रियाटा का नाम पत्रियाटा क्यों है ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा और इसको जानने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि जब हम इंशाल्लाह पत्रियाटा पहुंचेंगे तो पत्रियाटा के अंदर मैं आपको इसी डिटेल बताऊंगा कि आखिर वाकया क्या हुआ कि इस जगह का नाम पत्रियाटा रखा गया। बादलों पर हम चले एक नई डगर, नाज़रीन फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पत्रियाटा और अब हम जा रहे हैं चेयर लिफ्ट की तरफ। चेयर लिफ्ट की सीढ़ियों पे से हम होते हुए जो इसका टिकट घर बना हुआ है उसकी तरफ जा रहे हैं और हमारा जो सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से कंप्लीट हुआ और हम जो है इस वक्त आ चुके हैं यहाँ पर। एक छोटी सी गुजारिश करूँगा अपने तमाम व्यूअर्स से जो जो यहाँ पर विज़िट करें कि इन जगहों को कोशिश करें कि साफ़ सुथरा रखें। एक जो हमारी बुरी आदत कह लें कि है कि हम जो कुछ खाते पीते हैं जो कुछ भी करते हैं और उसको यहीं फेंक देते हैं, तो फिर जो कुदरती खूबसूरती है इन जगहों की वो ख़राब हो जाती है और जो हमारे बाद आने वाले लोग हैं उनके लिए शायद उस तरह से ये इन्जॉयमेंट नहीं रहती। तो कोशिश करें कि इस जगहों को ऐसा रखें कि दूसरे भी इसको सही से इन्जॉय कर सकें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ पत्रियाटा की जगहें, बच्चों के लिए छोटी मोटी झूले वगैरह भी लगे हुए, बुढ़ापा आ गया। अच्छा ये देखें कुछ प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों के लिए, ये चेयर लिफ्ट वगैरह आप ऊपर देख सकते हैं है। और ये अभी बंद है, ये इसका टिकट घर है, यहाँ से आप कुछ चीज़ें बच्चों को झूले वूले सब दिला सकते हैं। ये देखें चेयर लिफ्ट का एक खूबसूरत मंदिर नीचे से जो लोग जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, और ये देखें इन्होंने डायनासोर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें यहाँ लगाई हुई हैं, थोड़ा सा पब्लिक अट्रैक्शन के लिए बच्चों के लिए जंपिंग कैसल्स और ये सारा कुछ मौजूद है। ये देखें टिकट घर और यहाँ से टिकट वगैरह बाय कर सकते हैं, 1000 का टिकट है इस वक्त। अच्छा ये देख ले आप भैया कितनी लाइन है यहाँ पर और ये सारी चेयर लिफ्ट के लिए, और ये अभी रश कम है मगर मसला ये है कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे होते हैं।
नाज़रीन इस वक्त लिफ्ट चेयर के अंदर हम बैठ चुके हैं और मेरे साथ मेरी छोटी वाली प्यारी सी बेटी बैठी हुई है और हम लोग इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये देखो। और अब मैं आपको फ्रंट का भी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हम टॉप की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये देखिए जी, बड़ी खूबसूरत रोड भी साथ साथ चल रही है लिफ्ट चेयर के, और ये ऊपर जा रही है, ये टॉप के ऊपर, वहाँ पर हमें मिलेगी केबल कार। हाँ जी रोमैसा, कैसा लग रहा है आपको? जब आप बहुत छोटी थी तब आई थी, अब आप थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं तब आई हैं, अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हाँ। हवा कैसी है? ठीक। ठंडी नहीं है? कितनी ठंडी? हाँ, ये देखो सामने भी लोग आ रहे हैं हमारे, ये सारे चीड़ के दरख्त और ये सारी चीज़ें, ये देखें एक बुज़ुर्ग जो हैं ये खड़े हुए ऊपर बेचारे, अगर हो सके तो ऐसे लोगों की मदद कर दिया करें। और ये देखें पूरी यहाँ से घाटी आपको नज़र आएगी, बड़ा मज़ा आ रहा है ना रोमैसा, ये देखो फुल घाटी है और है ना। कैसा जबरदस्त लग रहा है ना, कैसा जबरदस्त व्यू है, हाथ ठंडे हो गए मेरे तो, बिल्कुल जम गए है ना। ये देखो ये चिलगोजे टाइप की कोई चीज होती है मगर ये चिलगोजे नहीं होते, ये देखे वो देखो टॉप, देखो कितनी टॉप पर है यार, डर लग रहा है ना है भाई रोमैसा को, डर लग रहा है रोमैसा, डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा या ज्यादा ज्यादा है? थोड़ा। तो पापा साथ बैठे डर क्यों लग रहा है? है? क्यों गिर जाओगी पापा है ना? भाई ये देखें, ये रोमैसा डर रही है, पापा के होते हुए कैसे डर सकती हो तुम है? मैं हूं ना इसीलिए तो अपने साथ बिठाया था मैंने। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। नहीं लोग जाते हैं एक दूसरे को बात करते हुए जाते हैं, ये देखो ये भी बैठे हुए, ये भी बैठे हुए, ये देखो ये देखो ये देखो कैसा लोग आ रहे हैं, इधर बात भी करते हैं और के सामने से कोई आ रहा होता है उससे भी बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी देखें, हाथ हिला रहे। हाँ हम व्लॉग बना रहे हैं, वो हाथ हिला रहे हैं, कैसा? अच्छा यहाँ काफी सारे लोग जो है ना अपने व्लॉग्स बना रहे हैं है ना, जरूरी देखो अभी उन्होंने भी यही बात की, बना रहे नहीं ऐसी वीडियो नहीं बना रहे उन्होंने, मैं बता रही थी देखें बहुत खूबसूरत सा व्यू है और ये है, वो भी हमारी तरफ व्लॉग बना रही थी खातून, लेकिन हम मिस कर गए। और ये देखें ये सड़क भी ऊपर आ रही है, पीछे घाटी है पूरी 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 घाटी, इतनी ऊंचाई, ओए सिर्फ दो बच्चे बैठे हुए, यार ये बड़ा रिस्की था, मैंने देखा ये दो बच्चों को बिठा दिया खाली, तो ये तो बड़ा रिस्की मामला था। ओए बकरियां रूमो नीचे, बकरी और ही नीचे, बकरी आगे नहीं होते बस पीछे बैठे बैठे देखे, वो देखें वो देखो। वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ से हो? ये केबल कार से उतरने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ आ गए हैं, यहाँ कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं, मस्जिद पे अगर आपको नमाज आपकी कदा हो गई हो या आप कसर नमाज अदा करना चाह रहे हो तो आप यहाँ मस्जिद भी है वहाँ जा सकते हैं, आगे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, वॉशरूम्स वगैरह ये सब इस एरिया में शुरू में ही बने हुए हैं, आप यहाँ पर जा सकते हैं। और हम यहाँ से अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा ये बड़ा खूबसूरत व्यू है और बहुत अच्छी जगह, यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ पर फुल टाइम आप इंजॉय करें कुदरत की इस ब्यूटी को और पाकिस्तान की खूबसूरती को, कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ दिया है, हमें किसी और मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने मुल्क में वो सब कुछ है
जिसकी हम तमन्ना दूसरे मुल्कों को देखकर कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हम लोगों ने उस हिसाब से नहीं की और यहाँ सहूलियात अब ऐसा ऐसा तो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं पहले की निर्भर, लेकिन अगर यहाँ पे हम और अच्छे तरीके से मेंटेन करें, साफ़ सुथरा रखें, अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाएं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली हमारा टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा और बहुत ज़बरदस्त जो है आप लोगों को यहाँ एक कुदरती जो हुसन है उसके दरमियान रहने का आपको एक मौका मिलेगा। और ये बेस्ट चीज़ है कि हम अपने कुदरती मनाज़र के साथ अपना टाइम जो है वो गुजारें, ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटली रिलैक्स करता है और ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना रिचार्ज समझे कर देता है। आप अगर अपने काम से एक ब्रेक लेते हैं और आप ऐसे इलाकों में आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आएँ, यहाँ पर इंजॉय करें, फैमिली टाइम आपका बहुत अच्छा मेमोरेबल यहाँ गुजरता है। अच्छा, हम यहाँ आ गए भाई, और हमारी बड़ी बेटी आमिना ये भी मेरे साथ हैं, छोटी वाली अपनी वालदा के साथ है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? सर्दी तो सर्दी लग रही है। हाँ तो हम लोग कराची से है ना, तो हम लोग को सर्दी लगेगी यहाँ पर। और हालांकि अभी धूप है फिर भी सर्दी लग रही है, बर्फबारी शुरू नहीं हुई। अगर शायद बर्फ यहाँ गिर गई होती तो हमारे लिए अनबियरेबल होता। क्यों? कुल्फी जमी हुई होती। अच्छा, रस्ते में क्या एंजॉय किया? टाइट सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी रस्ते की? व्यू। व्यू कौन कौन थे? लैंडस्केप से लैंड स्लाइडिंग नहीं हो रही थी? अगर लैंड स्लाइडिंग हम लोग यहाँ नहीं आ सकते थे, रास्ता ब्लॉक हो जाता। चलें आए आगे चलते हैं और खाने का ऑर्डर करते हैं। अच्छा जी, हम आ चुके हैं, ये देखें TCDP का जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर, और कुछ खाने वगैरह का ऑर्डर करने लगे। अच्छा, कुछ आप यहाँ देखें और भी मौजूद हैं ऊपर रेस्टोरेंट्स, ये अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप वहाँ जाना चाहें या यहाँ आना चाहें। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा प्राइस में डिफरेंस तो मिलेगा, मगर ये कि यहाँ फूड आपको हाइजेनिक मिलेगा और यहाँ पर आपको मैार अच्छा मिलेगा, बैठने की जो सर्विस है, बॉनफायर वगैरह, ये सब बेहतर आपको उससे मिलेगा जो ऊपर है। तो ये अब आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आप थोड़ा देसी स्टाइल में, ढाबे वाले स्टाइल में जाना चाहते हैं या थोड़ा रेस्टोरेंट वाले स्टाइल में जाना चाहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। इनका खाना जो है वो साफ़ सुथरा मेयारी भी है, यानी एक तोल का हिसाब होता है। नॉर्मली जो हम बाहर लेते हैं 1 kg की कढ़ाई, वो हमें मिलती है तकरीबन 800 ग्राम, और यहाँ पूरा 1 kg 1 kg इनका दावा है कि है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ के हवाले से, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको ईजी रहे सिलेक्शन में कि क्या करना है क्या नहीं करना। और हमारी टेबल्स वगैरह तो लग गई हैं और सब बैठने की कोशिशों में, अब हम भी जल्दी बैठते हैं। ये जो है हमारे यहाँ कुछ आग का इंतज़ाम कर दिया सर्दी की वजह से। ये मेन्यू आ गया हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारा इसमें जो है आपको आइटम मिलेगा, ब्रेकफास्ट से लेके खाने का, देसी, चाइनीज़, सैलेड वगैरह, आपको आइसक्रीम, सी फूड, सब कुछ यहाँ, रोल वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये बहुत अच्छा आपको यहाँ पे इनका मेन्यू मिलेगा, आप जो चाहे यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ये होता है कि हम जो देसी जगहों पे बैठते हैं वहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें खाने की नहीं मिलती और बहुत ज़्यादा कोई मेन्यू मौजूद नहीं होता, आपको सिर्फ देसी फूड ही अवेलेबल होता है। तो इस तरह की जगह पर अगर इस तरह का रेस्टोरेंट हो और आपको कोई डिफरेंट ट्राई करने का मूड हो तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। अच्छा जी, खाने वगैरह से सफारे हो गए हैं हम, और अब जो है नीचे का सफ़र वापस शुरू हो रहा है हमारा। और क्योंकि धूप अब आप देख सकते हैं कि बहुत फीकी हो चुकी है और ऐसा ऐसा ढल रहा है सूरज, तो कोशिश यही है कि नीचे पहले पहुंच जाया जाए इससे पहले कि सूरज मुकम्मल ढल जाए और ठंड इंतहा से ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर सफ़र भी है आगे और बच्चों का साथ है, और सर्दी के अंदर जो है डर यही लगता है कि कहीं बच्चे बीमार ना हो जाएँ, क्योंकि अगर बच्चे बीमार हो जाए या हम खुद बीमार हो जाएँ तो दोनों सूरतों में जो घूमने का मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली मरी नहीं जा सके, मे भी कल या परसों मरी के लिए निकलें या किसी और डेस्टिनेशन के लिए, तो इंशाल्लाह उसका व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये है हमारे नदीम चाचा जो हमारे साथ आए हैं। इधर घूमे जरा, ये जब से आएगी यहाँ? नहीं, कहाँ आए हुए पहले ये बता दें। टोयोटा आए हुए जनाब, और बहुत मज़ा आ रहा है जुएब साहब के साथ।
और सर्दी कैसी लग रही है अब आपको? सर्दी भी बस अच्छी सर्दी है, लेकिन बर्दाश्त के काबिल है। ऐसा नहीं है जैसा लोग डराते हैं कि जी बर्दाश्त नहीं होगी और हालत ख़राब हो जाएगी। अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं है मामला, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। आपको फील हो रहा है कि ठंड इतनी हो चुकी है कि अब आपके मुंह से भाप निकल रही है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन ये कि अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं रास के मैनेजर भाई, अपना तारुफ कराइए। मोहम्मद इरशाद, रास रिजॉर्ट का मैनेजर हूँ मैं, पत्रियाटा टॉप मरी से। ये एक बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है यहाँ पे। क्या पत्रियाटा में आए तो लॉर्ड माउंट बैटन जो थे 1905 में ये बिल्डिंग बनी थी, उनकी जाती रही रिहायशगाह थी और बड़ी सेफ एंड साउंड है और पंजाब की सबसे ऊंची जगह है। अच्छा, आपने उनकी बताया था कि वो जो कोई दो पेड़ थे बड़े इम्पोर्टेड, हाँ बिल्कुल, वहाँ से इस वक्त 1905 में गोरू ने इम्पोर्ट करके यहाँ लगाए थे स्वीट चेस्टनट के। ज़्यादातर वो तुर्की और इंग्लैंड में होते हैं, तो आज भी वो सेफ हैं और आज भी इंग्लैंड गवर्नमेंट जो है उसका मुआवजा हमारे महकमे फॉरेस्ट को दे रही है कि उन दरख्तों की देखभाल हो। ये बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन बताई आपने कि एक ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है पत्रियाटा में मौजूद है। वैसे पत्रियाटा का सर अगर नाम आप देखें तो किसी अंग्रेज ने पूछा था यहाँ की लोकल खातून से ना कि उनके सर पे आटा था। मैडम थी यहाँ की लोकल ना, तो लोकल लैंग्वेज में अंग्रेज से उनसे पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा उत्तर आटा। उनका इंग्लिश पूछा सर पे क्या है, उन्होंने ये सोचा था, तो उन्होंने कहा पुत्र आटा। तो उसके बाद पत्रियाटा, अगर आप इसको इंग्लिश में अगर पूरा वो देखेंगे तो अगर लिखेंगे पुत्र आटा वो पत्रियाटा बन गया, पत्रियाटा बन गया इंग्लिश की वजह से। मजेदार स्टोरी है, और इस वजह से ये पत्रियाटा कहते हैं। उसके बाद ये चेयर लिफ्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे बनी और बिल्डिंग आज भी मौजूद है सेम उसी स्ट्रक्चर में। और आज भी हमने जो उनके रूम्स के नाम है तो ब्रिटिश एम्बेसी ने हमें भिजवाए थे, और उनका ये था कि उनकी जितनी हिस्टोरिकल बुक्स है उसमें इसका जिक्र है के जो थे लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लिवरपूल, कार्डियफ, तो ये हमने नाम भी उसी तरह लगवाए हुए हैं और सेम चार्जेस हैं हमारे। और हम जस्ट फैमिलीज को अलाउड करते हैं कि फैमिली यहाँ पे स्टे भी आ सकती है। जो मेरे चैनल से आपकी उस पे आएगा उसको भी डिस्काउंट दोगे? बिल्कुल, 20% ऑफ है सर की भी, जितने भी आप आएंगे। कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है हमारा, मिनी बार कम्प्लीमेंट्री है, बोनफायर के चार्जेस नहीं है। और अगर आप सर के पेज से आएंगे तो इंशाल्लाह आपको 20% ऑफ होगा। और ये हमारा नंबर भी आप ले सकते हैं, और इरशाद नाम है, आप ज़रूर सर के हवाले से आप बता सकते हैं। ज़रूर सर के चैनल को ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें, और आपको ज़रूर अच्छी अच्छी वीडियो, सर काफ़ी घूमते भी हैं और काफ़ी सारा पूरे पाकिस्तान के, अभी दिया पत्रियाटा में हमारे पास मेहमान आए, गेस्ट हैं हमारे, तो ज़रूर इनको लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।